हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बहीर नवम अध्याय उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन और कार्य अध्यायर अभ्यास कार्य देखा। तो देख, प्रथम नंबर क्वेश्चन हूँ, धान और कदली पत्र व्यतीत अन्य क्यों पत्र रे समांतराल शिरा विन्यास रही सेथिरु दुईटीर चित्र अंकन कर। तो आम प्रथम जानवा कि शिरा विन्यास क्या कहुए, जो पत्र वृंत अग्रु गोटे शिरा बाहरी आग को लंबी थाए और से ही शिरा गुड़िक समांतराल थिला परी मन हुए, से ही जो शिरा बाहरी थाए से ही शिरा रु कौन सी शाखा शिरा बाहरी न थाए, से ही प्रकार शिरा विन्यास को कहुए समांतराल शिरा विन्यास। तो से ही जो समांतराल शिरा विन्यास पत्र सब कौन कौन होता है ना, कदली पत्र, धान गछर पत्र, मक्का पत्र, पाउँस पत्र, यही सब जो पत्र रही देखिबो कि शिरा रु कौन सी शाखा शिरा बाहरी न थे। तो से हीपरि एठारे दुईटी समांतराल शिरा विन्यास पत्र दुईटी चित्र अंकन करने को कही, तो तुम्हें चित्र अंकन कर मक्का पत्र गोटे पाउँश पत्र। तापर देखा आम दुई नंबर क्वेश्चन, मूलर गठन और कार्यगुड़िक चित्रसह वर्णना कर। तो आम प्रथम देखा मूलर गठन, मूलर किपरि गठन होता है। तो मूल क्या कहुए, देख उद्भिदर जो अंश गजार भ्रूण मूलर बाहरी मटी भितर थाए ताहाकु कहाजे मूल कहाजे। देख यही चित्रे उद्भिदर मूलर चित्र सब कराई। सेकेंड पॉइंट लिखिब कि जो प्रधान मूल थाए से ही प्रधान मूलर शाखा मूल और यह हूँ प्रधान मूल, यही प्रधान मूलर जो शाखा मूल बाहरी थाए शाखा मूल बाहर की ताहा माटी भितरे बढ़ी थाए। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिब मूलर अग्रभागे अति क्षुद्र टोपी भली एक अंश रही थाए जहाँ कहुए मूलत्राण, यह हूँ मूलत्राण। तापर देख नेक्स्ट पॉइंट, मूलत्राण पक्षक कोष विभाजन होतापर या बर्धनशील जो अंश रही थाए मूल टोपी बाहरी थाए। प्रत्येक जो शाखा और प्रशाखा मूलरे मध्य कोष विभाजन अंश बर्धनशील अंश और मूललोम अंश रही थाए। जो गच्छ रही थाए गच्छर गठन और कार्य अनुसार तहार मूल को प्रधान मूल, गुच्छ मूल, रूपांतरित मूल कहुए। तापर देखा आम मूलर कार्य, मूलर कौन कौन कार्य रही थी। प्रथम पॉइंट है मूल उद्भिद को माटी रे जाबुड़ी धरी रखी थाए। सेकेंड पॉइंट लिखिब माटी रे थिबा जो जल खनिज लवण को शोषण करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए। थर्ड पॉइंट रूपांतरित मूल गुड़िक खाद्य संचय करी रखिबा सह कांड को दृढ़ भाव धरी रखी थांती। तापर देखिबा आम तीन नंबर क्वेश्चन, कांड केते प्रकारर एवं एहा उद्भिदर क्यों क्यों कार्य करिथै वर्णना कर। तो एनसर लिखिबो गोटे उद्भिदर जेउ अंश तार गजार भ्रूण कांडरु बाहरी माटी उपरे पड़िथै ताहाकु कुहाजे कांड। ओ गठन दृष्टिरु कांड होउछि दुई प्रकारर, सेगुडिक कोन कोन ना गोटे होउछि सबल कांड ओ अन्यटी होउछि दुर्बल कांड। सबल कांड क्या कहुए ना से बिना आश्रय रे सीधा सीधा बढ़ी थाए, किंतु दुर्बल कांड क्या कहुए जो कांड गुड़ी को अन्यर आश्रय बढ़ी थांती से मानंकु दुर्बल कांड कहुए। आम उदाहरण नहीं पारिबा, देख सबल कांडर उदाहरण होउछि आंब गच्छर कांड, पणस, पिजुली, पाउँस आदि सबू गच्छर कांड गुड़िक होउछि सबल कांडर अंतर्गत। दुर्बल कांड को गच्छर उद्भिदर कांड गुड़िक होती ना कखारु, पोई, कलरा जो लता जातीय
ଉଦ୍ଭିଦ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ମୂଳ ଭଳି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟି ବା ରୂପାନ୍ତର ଘଟିକି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଦା ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଲୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେହି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବା ପରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାହାର ମୂଳ ରହିଥାଏ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଫୋର୍ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସରୁ ଅଲୁଅ ଆଦି ସାରୁ ଯେଉଁ ଅଲୁଅ ଆଦି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଓ ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ତ ମୌଳିକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ପଣସ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର ସବୁ ମୌଳିକ ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବେ ଓ ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବେ ଶିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ସଜନା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କୁହ। ତ ଏନ୍ସାର୍ ଲେଖିବ କି ଯେଉଁ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିରି ମୁଗ ଚଣା ଆଦି ସବୁ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିଥାଏ ବା ଫୁଲ ଗଛ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେହି ଯେଉଁ ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଥାଏ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସମାନ୍ତରର ଶିଳାବିନ୍ୟାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।